सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या है वो जो नहीं दिखा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं आपको, और क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स है आपको लेके, यही हम चेक करेंगे डिटेल्स में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जो भी रीडिंग आपके सामने पॉप अप होए, चाहे वो 2 महीना बाद आए चाहे 6 महीने बाद आए, ये रीडिंग उस टाइम के लिए आपके लिए रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में रखना है आपको, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये जरूरी नहीं है। जो चीजें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखे, गाइडेंस को फॉलो करे ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में, क्या फीलिंग्स है, इंटेंशन क्या है डिवाइन के, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है डिवाइन, क्या है उनके इंटेंशन, फीलिंग्स क्या है डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। टॉक टू मी गाइस, वन मोर टाइम प्लीज। ऑल अपनी लाइफ में चेंजेस ये इंसान जरूर चाहते हैं, क्या बात है, ब्यूटीफुल। ओके ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं कुछ लोगों के लाइफ में। अब समझिए, जिनके लाइफ में नहीं है इसका मतलब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है। रीडिंग को देख के आपको गाइडेंस लेना है, मिसगाइड नहीं होना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है आपके लाइफ में, रीडिंग में आया इसका मतलब जबरदस्ती मैम हमारे लाइफ में भी कोई है क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन, हमारे पार्टनर के लाइफ में भी कोई और है क्या, ऐसा नहीं है। अगर ये रीडिंग कलेक्टिव है ना, तो किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में नहीं है और जबरदस्ती आप उसको मैनिफेस्ट कर लो, ठीक है। मेरे पार्टनर के लाइफ में भी कोई है क्या सोच के। सो अगर नहीं है तो उसको अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आपको रीडिंग से हमेशा गाइडेंस लेनी चाहिए, मिसगाइड मत होइए इसको देखे, ठीक है। बहुत लोग ऐसे मिसगाइड होते हैं कि हमारे पार्टनर किसी और से इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या, ये आपको पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इतना विश्वास तो आपको होना चाहिए, है ना। और अगर नहीं है विश्वास तो आपको ट्रस्ट इश्यूज है, आपको हील करना चाहिए। अगर आप नहीं हील कर रहे हो तो यही एनर्जी आपके पार्टनर आपको अपने ऊपर दिखाएंगे, तब आती है थर्ड पार्टी सिचुएशन। समझिए इस चीज को, ठीक है। क्यों हजवाइन यहाँ मेटाफोर्सिस की एनर्जी, मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी, प्लीज गाइड। ये इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में चेंजेस चाहते हैं। मैं 2-3 दिनों से देख रही हूँ कि ये इंसान अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, ये आपके आपको फॉलो करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे 2-3 दिन से। 2-3 दिन की रीडिंग्स में मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये इंसान जो है ना, ये आपकी तरह अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। देखिए फिर से हीलिंग की एनर्जी, ब्यूटीफुल, क्या बात है। मुझे एक गाना याद आ रहा है, कौन सा गाना है वो, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा। सुनिएगा ये गाना, हाँ बहुत सुंदर गाना है। पिया हो रे पिया, बहुत सुंदर गाना है, सुनिएगा यूट्यूब पे, ठीक है। सो ये इंसान अपने आप को हील करना चाहते हैं। ओवरऑल इनकी लाइफ की एनर्जी ऐसी है, जो भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी है इनके लाइफ में ऑब्स्टेकल है, प्रॉब्लम्स है, जो भी है, ये इंसान खुद को हील करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। सो अगर इतने दिन तक आप इनसे कह रहे थे कि मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए या फिर कुछ कीजिए, अगर आप कह रहे थे और ये नहीं सुन रहे थे, तो इस टाइम पे ये इंसान अंदर से इनकी इनर वॉइस उसको फॉलो करना चाहते हैं और खुद को हील करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, इनर वॉइस की एनर्जी है। इनके अंदर से आवाज आ रही है इनको कि इनको हील होना है, तब जाके इनके जो सारे जो बंद रास्ते हैं ना वो खुलेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी,
ये एनर्जी सबको समझ में नहीं आती है, हीलिंग जो होता है ना वो सबको समझ में नहीं आती है। जब आपको हीलिंग समझ में आ रही है कि आपको हीलिंग करनी है, इसका मतलब ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, क्योंकि आपको ये इंसान देख रहे हैं, आप बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हो, और आपने कभी बोला भी होगा इनको कि मेडिटेशन कर लो, कुछ मंत्र चैंट कर लो, कुछ कर लो, आपने बोला भी होगा, तो इन्होंने उन चीजों को इग्नोर किया होगा। अब ये इंसान हीलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी अंतर आत्मा इनसे हीलिंग के लिए कह रही है, ठीक है। इनकी आत्मा की डिमांड है, अब इनको हील होना है। सो ये इंसान हीलिंग चाहते हैं, और तभी इनको लग रहा है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो दुनिया भर, जो जो दुनिया की जो खुशियां है ना, सारी दुनिया की खुशियां, तब इनके लिए ओपन अप होंगी जब ये इंसान हील करेंगे खुद को। बहुत सुंदर एनर्जी है। सो हीलिंग इतनी इजी भी नहीं होती है ना, ऐसा नहीं है कि आप कोई किसी ने सोचा कि हीलिंग हम कर लेंगे और हम हील हो गए। बहुत ऑब्स्टिकल आते हैं हीलिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो। और जिनकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, कर्मा ज्यादा होते हैं, उनको और प्रॉब्लम होती है, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। सोचते बहुत है हम हीलिंग करेंगे। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेडिटेशन करना है सोच के 6 महीने बीत गए होंगे, बैठे नहीं होंगे कभी आप मेडिटेशन करने के लिए, है ना। तो ऐसा ही होता है, ये रेसिस्टेंस होती है हमारी बॉडी की, हमारी माइंड की। हम नहीं, जितनी भी नेगेटिविटीज होती है वो हमें रोकती है हीलिंग करने से, ताकि हम पावरफुल ना हो जाए। सो यही होता है, रेसिस्टेंस आता है जिससे कि हम रुक जाते हैं, ठीक है, लेजी हो जाते हैं, मन भटक जाता है, हम मोबाइल में कुछ और देखना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये बॉडी की रेसिस्टेंस है जो आपको नहीं करने देगी कुछ अच्छा काम। आपको उससे लड़के, अपनी नेगेटिविटी से लड़के आपको हीलिंग करनी होगी खुद की, ताकि वो जो नेगेटिव एनर्जी आपको रोक रही है, आप उसको भी रिलीज करो, ठीक है। सो सोच रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अब फीलिंग्स में इनकी स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी यहाँ क्यों है दिवाले? जो भी ऑन एंड ऑफ रिश्ता आपका है, ये अब नहीं चाहते हैं ये सब, ठीक है। ये अब चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी आए, थोड़ी सी मैच्योर फीलिंग मुझे दिख रही है इनकी, एक डिसीजन लेना चाहते हैं। सो डिसीजन लेना चाहते हैं, दो ऑप्शंस हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लाइफ में, लेकिन ये इंसान सबसे डिटैच्ड फील कर रहे हैं, शांत हैं, चुप है, अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर, फाइनेंस, बिजनेस पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एनर्जी है, ये एक पैशनेट एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, पैशनेट है बहुत ज्यादा आपसे, लेकिन फिलहाल ये इंसान जो है ना अपनी लाइफ को स्टेबल करने में लगे हैं। फीलिंग्स इनकी क्या है, स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो फीलिंग्स रहती है ना, फ्लक्चुएट होती है, कभी बहुत प्यार दिखाते हैं, कभी प्यार ही नहीं दिखाते हैं, कभी बहुत बात करते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी कॉल का रिप्लाई नहीं करते हैं, कभी आप अगर रिप्लाई नहीं करते तो गुस्सा हो जाते हैं। सो ये जो फ्लक्चुएट होती है ना इनकी एनर्जी, इनकी फीलिंग्स, ये उसपे एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। कैसे? जब ये हील करेंगे, इनको पता है जब ये हील करेंगे खुद को, अपनी नेगेटिव, जो भी नेगेटिविटीज इनके अंदर है, अपनी नेगेटिव एनर्जीज को जब ये रिलीज करेंगे, तब जाके इनके अंदर वो एक मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। सो ये सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बिजनेस, फाइनेंस और अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ, अपनी ग्लो पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअली बहुत सारे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं बाकी लोगों से, फोन पे आप उनको बहुत ऑनलाइन नहीं देखते होंगे, बहुत स्टेटस वगैरह अपडेट नहीं करते होंगे अभी फिलहाल इस टाइम के लिए, है ना, या फिर बहुत ज्यादा कहीं यहां वहां दिखते नहीं होंगे, डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अपने अंदर एक चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी स्टबर्न एनर्जी जो है इनकी, उसको रिलीज करना चाहते हैं। ये जो इनडिसाइसिव रहते हैं, हमेशा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक स्टेबिलिटी चाहिए, ये अब दो लोगों में बट के नहीं रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक डिसीजन लेना चाहते हैं जहां ये स्टेबल होके रह पाए, स्टेबिलिटी के साथ रह पाए, ऐसी एनर्जी है। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी इनकी इंटेंशन में है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड, यहाँ न्यू बिगनिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए ये इंसान रेडी है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। हाँ, ये इंसान आपको सॉरी वॉरी बोलने के लिए तैयार है, ऐसा लग रहा है। एक पैशनेट स्टार्ट के लिए भी इंसान रेडी है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके लिए अभी इंसान फाइट करने के लिए रेडी है, लेकिन फाइट ये किससे करेंगे, ये क्वेश्चन है। ये फाइट दुनिया वालों से करेंगे या अपनों से करेंगे या किससे करेंगे फाइट? कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, जो लोग सिंगल है, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, वो आपसे मैरिज करने के लिए, आपके साथ स्टेबिलिटी के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए ये इंसान अपनों से लड़ेंगे। जो जिन लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर कुछ ऐसा है जहां ये इंसान पूरे के पूरे आपके नहीं हो सकते हैं, वहां ये अपने अंदर की नेगेटिविटी से लड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान फाइट करने के लिए रेडी है,
न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं, बहुत कुछ अपने अंदर चेंज करने के लिए रेडी हैं, सॉरी बोलने के लिए रेडी हैं और एक पैशनेट स्टार्ट के लिए रेडी हैं। सो जो ये अपने अंदर जो चेंजेस कर रहे हैं ना, मतलब सॉरी बोलने के लिए रेडी हैं और जो भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं, क्यों जो भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, क्या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है इंसान, इनका जो ईगो है बहुत ज्यादा डोमिनेंट बिहेवियर है, वो सब कुछ ये इंसान अब अंदर से चाहते हैं कि हील होए और ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करे। बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे, जिस तरह आप एडजस्ट करते हो उनके साथ, उनकी नेगेटिविटीज के साथ, उनके बिहेवियर्स के साथ, उस तरह से ये इंसान भी आपके साथ एडजस्ट करना चाहेंगे अब, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। अगर पहले भाग रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, तो अब ये इंसान तैयार है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम प्यार करते हैं किसी से, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, एक होता है कि एक इंसान ही कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है और उसी से बातचीत जारी है। जब आप बंद कर देते हो कॉल करना, तो सामने वाला इंसान, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कॉल नहीं आया तो चलो यू नो हम एक दिन फोन करके पूछ ले कि आप कैसे हो, ठीक हो या नहीं, वो नहीं करते हैं वो। तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एक रिश्ते में रहते हो, दो लोग रहते हैं, तो जिस तरह से एक इंसान एफर्ट लगा रहा होता है, सेम उसी तरह से दूसरा इंसान भी अगर एफर्ट लगाएगा, तब जाके ये रिश्ता जो है वो स्मूथ चलेगा। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, है ना, रोटी जब दोनों साइड से सिकी होती है तभी अच्छी लगती है। एक साइड से बहुत सुंदर सिकी रहेगी, एक साइड से कच्ची रहेगी, तो वो रोटी नहीं खाई जाएगी। वैसे ही एक रिश्ता होता है, जब दोनों साइड से एफर्ट्स लगते हैं, तब जाके वो रिश्ता स्मूथ होता है और ब्यूटीफुल होता है। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि आप अपने तरफ से बहुत एफर्ट आपने लगाए थे, जो नहीं लगाए थे वो ये नहीं लगाए थे, जो एफर्ट्स की कमी थी वो इनकी तरफ से थी, ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। तो अब ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, इंटेंशन में इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब इनको पता है, कॉन्शियसली ये जानते हैं कि इनके इरिस्पॉन्सिबल होने की वजह से ही ये रिश्ता खराब हुआ है, ठीक है। सो अब ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अगर आपका कॉल मैसेज नहीं जाएगा तो ये सामने से कॉल मैसेज करेंगे, जब आप कॉल मैसेज करते हो ये रिप्लाई करेंगे। सो इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये रेडी है। अगर आप मैरिड हैं इनसे, तो ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। अगर पहले नहीं लेते थे, फाइनेंशियली आपको यू नो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, या फिर आपको अपने साथ रखना नहीं चाह रहे थे, या फिर ऐसा कुछ था, तो अब ये इंसान तैयार है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपकी, और एक पैशनेट स्टार्ट के लिए रेडी है, सॉरी बोलने के लिए भी रेडी है पास्ट की गलतियों के लिए, लेकिन चाहते कि आपसे रिलीज योर पास्ट। ये चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ आप भूलें उन सबको, रिलीज कर दें उसको, जो भी हुई ये गलती हुई इनसे, ये मानेंगे आपके पास इस बार आके कि इनसे गलती हुई है, और आप रिलीज कर दें उन पास्ट को, बार बार उन बातों को दोहराए ना। अब क्या होता है, जब सामने से एक इगोइस्टिक इंसान आपसे आके सॉरी बोल रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी ईगो को खत्म किया है, क्योंकि आपको उन्होंने प्रायोरिटी में रखा है अपने ईगो से, जो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। अब समझिए कि कुछ लोग बहुत इगोइस्टिक क्यों होते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं और कुछ ग्रह नक्षत्र में जन्मे लोग ऐसे होते हैं जो कि बाय बर्थ इगोइस्टिक होते हैं, उसका कुछ आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो उनकी राशि ही ऐसी है, उनके ग्रह नक्षत्र ही ऐसे हैं कि वो चाह के भी अपनी तरफ से वो अपने ईगो को खत्म नहीं कर सकते। अब खत्म करना भी है तो कैसे करना है, यही ये हीलिंग वगैरह करके आप उसको रिलीज कर सकते हो, जो कि बहुत लोग करना नहीं चाहते हैं। अब ये इंसान चाहते हैं कि ये करें वो सब, ये अपनी नेगेटिविटीज को रिलीज करें, अपने ईगो को खत्म करें। अब बहुत ईगो को खत्म करके आपके पास आ गए, सॉरी बोल दिया आपको, तो यू नो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस अब तो आ गए इंसान, मतलब इनको बहुत जरूरत है मेरी, तभी ये मेरे पास आए। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, तो अब हम इनका मजा निकालेंगे। सो अगर ये एनर्जी में आप हैं तो फिर रिश्ता खराब हो जाएगा। अगर ये इंसान अपने ईगो को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, तो फिर पास्ट की चीजें को दोहराए ना। अगर ये अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लगता है कि इनको एक मौका देना है, तो सही से मौका दें, ताकि वो रिश्ता स्मूथ हो सके, सुंदर हो सके। खत्म करना तो खत्म किया है ना। सो अगर ये आ रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि अपना ईगो खत्म करके ये आएंगे, सॉरी बोलेंगे, जो कि इनके लिए बहुत मुश्किल है। और अगर ये आएंगे भी, तो आप अपने पास्ट को रिलीज करोगे, तब जाके यू नो कोई बात बनेगी। अदरवाइज फिर बात बात में आप ताना मारोगे। आपको याद है आपने उन्हें क्या बोला था, आपने उस दिन क्या बोला था। सो ये सब अगर रहेगा यू नो, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा इनके आने का, इनके सॉरी बोलने का। सो ये कंफ्यूज है कि आप पास्ट को भूलोगे या नहीं भूलोगे, आप इनको माफ करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप कंफ्यूज हैं अब इनको लेके, क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ खराब हो गई चीजें, अब आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे इनके साथ, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसलिए आप कंफ्यूज दिख रहे हो इनको। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप किसी और से इन्वॉल्व हैं, ऐसा हो सकता है। फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से इन्वॉल्व हैं।
सो इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इतना सब हो गया है, इतनी सारी चीजें हो गई, इतना खराब हो गया रिश्ता, तो क्या आप एक रिस्क लेना चाहेंगे इनके साथ? क्या आप इनको माफ करोगे या आप इनको दूसरा चांस दोगे? नहीं दोगे अगर आपकी तरफ से सेपरेशन अगर हो गया है, अगर आपने खत्म कर दिया सब कुछ, तो फिर तो इनका आने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये जो पास्ट में जो भी सेपरेशन आपका हुआ है ना, इसको वो चाहते हैं कि आप रिलीज करें, खत्म करें बात जो भी हुई, और खुशियां यू नो हैप्पीनेस के लिए सोचें। ये इंसान ये चाहते हैं कि जो भी सेपरेशन था या जो भी पास्ट में हुआ था दोनों के बीच, उसको रिलीज करें, मिट्टी डालें उस पर, और अब आगे बढ़े आप दोनों खुशियों के लिए अपने, ठीक है? लेकिन आपकी एनर्जी को वैसे देख रहे हैं, बहुत ज्यादा रूड देख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल देख रहे हैं। सो ये इनको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है? आपसे ये इंसान पास्ट को रिलीज करने के लिए कह रहे हैं, आप ऐसा समझ लें कि माफ कर दो जो भी हुआ था, यू नो भूल जाओ चीजों को, अब हम अपनी खुशियों के लिए काम करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स, एक दूसरे की बातों को नहीं समझना, एक दूसरे को हमेशा सुपीरियर अपने आप को समझना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जो कि ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग जरूर करना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा घमंडी दिख रहे हैं इंसान, हालांकि आप सर्वगुण संपन्न एक इंसान जरूर इनको लगते हैं, एज हस्बैंड या वाइफ आपको देखते हैं ये इंसान, आइडियल पार्टनर आप इनके लिए हो, लेकिन आप में घमंड बहुत है। घमंड क्या चीज का है? आपकी स्टेबिलिटी का घमंड हो सकता है, लाइक यू नो आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो कि सर्वगुण संपन्न है, जहां भी आप जाओगे आपका लक हमेशा आपकी फेवर में रहता है, जहां भी आप जाते हो आपको सक्सेस मिलता है, जहां भी आप जाते हो आपके एडमायर्स रहते हैं बहुत, आपके फैन फॉलोइंग्स बहुत हैं। सो इनको ऐसा लगता है कि इन सब चीजों का घमंड आपको है, जिसके चलते आप इनको कुछ समझते नहीं हो, आपकी एनर्जी ये इंसान ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है? ईगो में देख रहे हैं आपको, बहुत ईगोस्टिक दिख रहे हैं इंसान अभी, ठीक है? सो ये सारी चीजें जो है ना, ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियल बहुत स्टेबल हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा घमंड है अपने ऊपर, ठीक है? आप बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ईगो है आप में, बहुत अहंकार है आप में, ये सब देख रहे हैं जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। अब इनका भी अहंकार जो था पहले, इनका भी ईगो जो था पहले, वो भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको ये समझ में आ रहा है कि यू नो एक तरफ से आप बहुत ज्यादा एक इनके लिए एक आइडियल पार्टनर है, आपके जैसे इंसान इनको दोबारा कोई नहीं मिलेगा, इनको पता है, लेकिन इनकी ईगो की वजह से चीजें बहुत खराब हो गई आप दोनों के बीच, और एक जो फीलिंग्स को नहीं शेयर करना। तो पहले ये इंसान फीलिंग्स नहीं शेयर करते थे, शांत रहते थे, चुप रहते थे, बात नहीं करते थे, चीजों को छुपाते थे, बताते नहीं थे, ये सारी चीजें ऑब्स्टिकल हुई जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे आप दोनों के बीच। सो आपकी एनर्जी भी धीरे धीरे जो है ईगोस्टिक हो गई, आप भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, अब आप भी बंद कर दिए अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, टोटली आपने कम्प्लीटली आपने बंद कर दिया अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या फिर दिखाना इनको। तो ये सारी चीजें इनको ऑब्स्टिकल लग रही है, क्योंकि आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हो, आप दोनों छुपा रहे हो अपनी फीलिंग्स को, आप दोनों ईगो में है, आप अपने करियर फाइनेंस बिजनेस पे फोकस है, और ये इंसान इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ईगो के चलते चीजें एकदम खराब हो गई, ठीक है? न्यू डोर ओपनिंग, ये एक डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा नया दरवाजा खुले जिससे कि फ्रेश एनर्जी आप दोनों के बीच आ सके और सब कुछ ठीक हो सके, ठीक है? एक पार्टनरशिप, यू नो, सो न्यू डोर ओपनिंग का मतलब ये है, एक डायरेक्शन खोज रहेंगे किस तरह से आपसे कनेक्ट किया जाए। देखिए ये एनर्जी जो है ना, ये हर्ट्स की एनर्जी, हर्ट पेन की एनर्जी है, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। सो इनको पता है कि दूर रह के आप दोनों ही तकलीफ में हैं, पेन में हैं, और ये स्टक एनर्जी जो है इससे भी कुछ होने वाला नहीं है, समय निकलता जा रहा है, आप दोनों स्टक हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई और डायरेक्शन खोजना होगा। सो न्यू डायरेक्शन में ये इंसान जो है आपके साथ फ्रेंडशिप का कोई ऑफर आपको दे सकते हैं, या फिर आपके साथ कोई बिजनेस का ऑफर आपको दे सकते हैं, पार्टनरशिप का कुछ ऑफर दे सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर कुछ ना कुछ कोर्स जहां पे आपने एडमिशन कर लिया होगा वहां ये इंसान आ जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ नई डायरेक्शन खोज रहे हैं जिससे कि आपके साथ ये कनेक्ट कर पाए, आपके पास आ पाए, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है? और एक प्रपोजल देने का जरूर सोच रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। सो इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे जरूर से दिख रही है, नो डाउट, एक अच्छी एनर्जी दिख रही है इनके अंदर, ठीक है? थोड़ा सा और कार्ड्स हम देखेंगे कि आप चल रहा है मन में इनके, मन में बहुत कुछ चल रहा है इनके, है ना, चलता है मन में इनके बहुत कुछ चलता है। एक्शन एक्शन लेने की बारी जब आती है तो ये इंसान शांत हो जाते हैं। वैन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। डिस्कवरी,
कुछ ना कुछ डिस्कवर किया है इन्होंने, इनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी बहुत हीलिंग की है। ये एनर्जी 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ, आपने अपनी बहुत हीलिंग की है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये भी हीलिंग करेंगे, ये भी स्पिरिचुअल होंगे, ये भी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करेंगे, तो इनको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, अपनी ओवरऑल लाइफ में। वर्कोहॉलिक, देखिए स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं अपने, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस हैं, अपने बिजनेस फाइनेंस को स्टेबल करने में ये इंसान अपनी पूरी एनर्जी वहाँ लगा रहे हैं। मैंने बोला ना, स्टेबिलिटी उनके फाइनेंशियल स्टेटस पे है इस बार, ठीक है, ये चाहते हैं कि अपने फाइनेंस को स्टेबल करें ये, इसलिए इंसान वर्कहोलिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। किसी भी तरह से इनको अबंडेंस चाहिए, ऐसी एनर्जी है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। इनको पता है कि आपकी, आपको एक्सेप्टेंस दिए बिना इनके लाइफ में कुछ हो नहीं सकता, इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस देना होगा। इंटेंशन इनके ऐसे हैं, अगर ये भाग रहे थे अभी तक इस रिश्ते से, तो अब इनको पता है कि इनको एक्सेप्टेंस देना होगा इस रिश्ते को। अगर नहीं देंगे तो इनकी लाइफ जो है वो ऐसे उथल पुथल हमेशा मची रहेगी, हमेशा एक स्ट्रोम इनकी लाइफ में बनी रहेगी। और ये इंसान अब एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। सो इनको ये समझ में आ रहा है, इंटेंशन भी इनके ऐसे हैं कि इनको देना होगा एक्सेप्टेंस इस रिश्ते को आपको, ताकि इनके लाइफ में भी अबंडेंस आ सके, ब्लेसिंग्स आ सके। बैलेंस, आपसे चाह रहे हैं बैलेंस। रिलीज, पास्ट को रिलीज करने के लिए ये इंसान, यू नो, इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट को आप रिलीज करें और एक बैलेंस क्रिएट करें इस रिश्ते में। मतलब जिस तरह से ये एफर्ट लगाना चाहते हैं, उस तरह से आप भी कॉपरेट करें और दोनों लोग जो हैं वो मिल के एफर्ट्स लगाएं और एक बैलेंस क्रिएट करें। जब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे थे तो इस इंसान की तरफ से एफर्ट्स नहीं थे, जिसके चलते इम्बैलेंस हो गया रिश्ता और कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी हुई, खत्म हो गया। अब ये इंसान सोच रहे हैं कि अब इनकी तरफ से एफर्ट्स लगेंगे और आप अगर नहीं एफर्ट्स लगाओगे तो भी इम्बैलेंस होगा, तो भी कुछ चीज़ें सही नहीं होंगी, स्टक ही रह जाएंगे रिश्ता ऐसे ही। तो ये चाहते हैं कि आप भी एफर्ट्स लगाएं, पास्ट को रिलीज़ कर दें, इनको माफ़ कर दें और आप दोनों की खुशियों के लिए आप एक बैलेंस क्रिएट करें, एडजस्ट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हों, ठीक है। प्रेयर, जो कि मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, सो ये इंसान बहुत सारे प्रेयर्स भी कर रहे हैं जो कि हो नहीं रहा कुछ, ठीक है, मैनिफेस्ट भी करके देख लिया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ, आप नहीं आए या फिर बात नहीं हुई आप दोनों की, सो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है कि कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो वो सही नहीं हो रहा है। एक ग्रीफ की एनर्जी है यहाँ पे, उदास है, दुखी है, मायूस है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मिराकल की एनर्जी यहाँ पे है, सो कुछ ना कुछ मिराकल का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि कोई मिराकल हो और चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएं, या तो फिर आप सही कर दें, या तो फिर जब ये इंसान आए तो आप नॉर्मल रहें, पास्ट की बातों को लेके ज़्यादा उत्पात ना मचाएं, ठीक है, क्यों किया था, उस समय याद नहीं आया, अभी क्यों आए, ऐसा कुछ आप ना बोलें जिससे कि इनका दिल टूट जाए, ये ऐसा चाहते हैं। सो कुछ मैसेजेस भी हम चेक कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड सम मैसेजेस, प्लीज़ डिवाइन। कौन सा गाना है, मेरे दिमाग से वो गाना नहीं हट रहा है, सुनिएगा, मैं भी सुनूंगी आज कौन सा गाना है। ये बहुत सुंदर गाना है, मुझे पता है, मुझे इसके वर्ड्स नहीं याद आ रहे, मैं वारी जवा बस यही चल रहा है दिमाग में। One more time, please. Na, 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 आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। पता नहीं ये इंसान क्यों ऐसे हमेशा ही सोचते हैं, इनका हमेशा ये रहता है, ये नहीं दिखाना चाहते हैं अपने वल्नरेबल साइड को आपको। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन लव, ठीक उसी जगह पे आया है। देखिए स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, इनको लगता है कि यू नो इस बार ये इंसान चाहते ज़रूर आपसे रिकनेक्ट करना, लेकिन अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस है इनका इस टाइम। ये चाहते हैं कि फाइनेंशियली इंसान स्टेबल हो, जिसके चलते ये बहुत कुछ करते मुझे दिख रहे हैं, यू नो मैनिफेस्टेशन, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग, सब कुछ। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन टू मी। सो न्यू बिगनिंग की एनर्जी में ये इंसान ये बोलना चाहते हैं कि कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कि मेरे लिए तुम कौन हो। तुम ताजगी, तुम बंदगी, तुम सादगी, एक है ना नाना पाटेकर जी का, वो भी सुन लीजिएगा आज, वही एनर्जी है इनकी आज की। Should I say or should I hide what's in my heart? So, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको आके बता भी देंगे तो क्या आप पास्ट को रिलीज़ करोगे। देखो वही एनर्जी निकल के आ रही है मैसेज में भी, जो कार्ड्स बोल रहे थे, क्या पास्ट को आप रिलीज़ करोगे, क्या पास्ट में हुई चीज़ों को आप भूलोगे, क्या आप इनको माफ़ करोगे, वही एनर्जी। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। सो उदास हैं, चुप हैं, शांत हैं, प्रेयर करके भी चीज़ें सही नहीं हो रही है, इसलिए शांत है, अकेले हैं जितना हो सकता है, जितना
सक रहे हैं उतना के लिए रह रहे हैं, ठीक है। यू बिलीव और नॉट आई लव यू मोर देन यू नो, तो आप जाने चाहे ना जाने ये इंसान जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनका ये कहना है। सम टाइम आई फील यू डोंट लव मी, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे प्यार अब नहीं करते हो, आपके मन का प्यार ख़त्म हो गया है। मे बी आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आपने इनको रिलीज़ कर दिया है, आपने छोड़ दिया इनको, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।